हाय एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल ये है ओ टू आई एस एकेडमी मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं यानी कि हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है वो आपकी यहाँ से हो सकती है एक एक वीक आज जो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च देखने वाले हैं इसमें जो है अभी हमारा स्टार्ट हुआ है फागुन का महीना तो फागुन के महीने की जैसे होली मनाई जाती है इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है प्रिलिम्स और मेन्स दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे तो हर एक हफ्ते में एक वीडियो रहता है डू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब ताकि वो वीडियो जो है आप मिस ना करें अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है सो डू चेक इट आउट उसके अलावा इनके पी की अगर मैं बात करूँ वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आपने टेस्ट सीरीज़ का कोर्स ओपन करना है फ्री रिसोर्सेज में आपको पी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज को भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्टडीज के साथ में सिंक करके उसके अलावा हम ऑल्सो स्टार्टिंग आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच होम कमिंग इसके तीन आ, जो आपके लेक्चर हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं सो डू चेक इट आउट वंस तो इसी के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी न्यूज़ की सबसे पहली न्यूज आती है होली फेस्ट बिगिंस इन सुजानपुर 300 साल पुरानी ये होली यहाँ पे मनाई जाती है अभी हिमाचल की में डिफरेंट डिफरेंट होली है जो फेमस है जैसे सांगला की होली बहुत फेमस है हम लोग देखते हैं मंडी में भी मनाई जाती है और ये 300 साल पुरानी सुजानपुर में भी मनाते हैं ये मनाई जाती है मुरली मनोहर टेम्पल में हमीरपुर का ये मुरली मनोहर टेम्पल है यहाँ पर हमारे सी भी गए उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और सरस फेयर भी इनागरेट किया तो इस फेयर का नाम याद रखना है अभी क्या होता है जब ऐसे फेयर्स आते हैं तो ये लेके आता है बहुत सारी ऑपरचुनिटीज जहां पर हैंडलूम है आपका हैंडीक्राफ्ट है या वहां का जो भी लोकल कल्चर है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो है देन मुरली मनोहर टेम्पल कहां पर है प्री फैक्स याद रखने हैं। अब ये तीन सौ साल पुरानी है ऐसा कैसे पता हमें तो ये बात जाती है जब हम लोग बहुत सारी वंशावलीज देखते हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नेरी का उसने कटोच डायनेस्टी की वंशावलीज देखी उनका रिसर्च किया तो पता चला कि सेवनटीन में पहली बार महाराजा संसार चंद ने तिलक होली वहाँ पर खेली थी अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सुजानपुर तीरा की जो स्थापना है वो इसी आपके महाराजा संसार चंद ने की है तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि ये तीन साल पुरानी यहाँ पर होली मनाई जाती है मुरली मनोहर टेम्पल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है सांगला होली तो सांगला की होली बहुत ज़्यादा फेमस है कहाँ पर है सांगला वैली बासपा वैली तुक्पा वैली ये तीन नाम से हम लोग जानते हैं ये है किन्नौर में यहाँ पे जो कामरू देवता हैं उनकी पूजा की जाती है और ये होली बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं रिच है कल्चर में एज वेल एज यहाँ का जो डांस है सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा बहुत पावरफुल देखने को मिलता है अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो इस तरीके से देवी देवता जो है नाचते हैं तीन दिन का ये फेस्टिवल होता है एज वेल एज इस तरीके से होलिका दहन भी वहां पे प्रॉपर इस तरीके से किया जाता है सो तो बहुत ही मजेस्टिक तरीके से हम लोग सांगला में होली मनाते नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीन दिन का फागली फेस्टिवल जो है मणिकरण में भी मनाया गया तो अब देखो फागली फेस्टिवल आपको कई जगह सुनने को मिलेगा पत्तन वैली में भी हमने पढ़ा था तो ये ऑन कमिंग जो फागुन का महीना आ रहा है उसको यहाँ पर मनाते हैं कुल्लू में ये बीस दिन के लिए मनाया जाता है मणिकरण में हम लोग यहाँ पे तीन दिन के लिए मना रहे हैं तो इसको देख लेना ठीक है यहाँ पे एक डांस का मेंशन किया गया है कनाश डांस तो पूछा जाए कनाश डांस कहां पर होता है ये आपका मणिकरण में होता है फागली फेस्टिवल में बहुत ही एंशंट टाइप का कहते हैं कहते हैं कि माता पार्वती ने ये डांस किया था वहाँ पर जो कुछ गाने गाए जाते हैं जिनको कहते हैं शरानी शरानी गाने या शरानी सॉन्ग्स तो उनके ऊपर ये कनाश डांस किया जाता है सिर्फ मणिकरण के फागली फेस्टिवल में ये होता है मणिकरण और किस चीज़ के लिए फेमस है तो ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी है और हम लोग यहाँ पे कहानियाँ सुनते हैं कि जो पार्वती माता हैं उनके कान की मणि जो है यहाँ पर गिर गई थी और शिव जी को उन्होंने बोला कि लेकर आओ तो शिवजी ने अभी जब निकाल जब वो निकली नहीं तो उन्होंने काफी गुस्से से उनका तीसरा नेत्र खुलने लगा तो उसको शांत करने के लिए जो नाग देवता है उन्होंने गुस्से से पानी की तरफ देखा था तो वो कहते हैं कि पानी जो है वहां से इस तरीके से गर्म हुआ और माता की जो मणि है वो बाहर आ गई और इसका नाम बना पड़ा पड़ा मणिकरण सो so, इस तरीके से हमें वहाँ पे फागली फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन देखने को मिलती है प्री फैक्ट याद रखना है कि एक कनाश डांस है ठीक है जी सो so, इसी के साथ में आगे हम लोग बढ़ते हैं शेचू फेयर की तरफ रिवाल्सर में मनाया जाने वाला ये एक फेयर है जहाँ पे जो आपके लॉर्ड पद्म संभवा हैं जिनको हम सेकेंड बुद्धिस्ट बुद्धा भी कहते हैं कई जगह उनको माइथोलॉजिकल लिखा गया है तो उनका बर्थडे जो है यहाँ पर मनाया जाता है अब रिवालसर की अगर मैं बात करूं इसको हम त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बुद्धिज़्म हिंदुज्म और सिखिज़्म तीनों की ही पूजा की जाती है यहाँ पर हमें गुरुद्वारा भी देखने को मिलता है मोनेस्ट्री भी है एज वेल एज हम देखते हैं कि हिंदूज का लुमाश ऋषि का टेम्पल भी यहाँ पर बना हुआ है तो ये तीन दिन का फेस्टिवल है स्टेट लेवल फेस्टिवल है शेचू कहते हैं और रिवालसर में भगवान जो पद्म संभव है उनके जन्म दिवस पर इसको मनाते हैं इस तरीके से मंक्स जो है वही हमारे जो द, द, मास्क डांसेस हैं लामास जो है वो डांस करते हैं वो हमें देखने को ठीक है नेक्स्ट आ गया प्रबोध त्रिवेदी न्यू डायरेक्टर ऑफ सी एस आई आर आई एच बी टी सो हमारा हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी जो पालमपुर का है ये आ, इनके नए यहाँ पर डायरेक्टर बने हैं प्रभोध त्रिवेदी तो अभी देखेंगे कि इनके आने पे क्या क्या नया हिमाचल में होने वाला है क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी नई चीज़ें हम लोग उगाते हैं सैंडलवुड हो गया कॉफ़ी भी उगाने की कोशिश कर ली इन्होंने हरड़ बहेड़ा इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स लेकर आते हैं हींग सैफरन कैमोमील देन वी हैव इस तरीके से वो जो लिस्ट है ना वो एड जो है वो बड़ी बड़ी यहाँ पर होती रहती है ये लोग यहाँ पर काम करते हैं अभी नए डायरेक्टर बने हैं तो आगे देखेंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि हिमाचल के इसरो की एक स्टडी आई जिसने कहा कि हिमाचल के 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे आर प्रोन टू लैंड अभी पहले तो है इतना हम लोग इसको देख नहीं पाते थे अभी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बने हुए हैं तो वो सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं तो उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज की जिसका नाम है द लैंड एटलस ऑफ इंडिया इसमें देखा गया डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया कि किस तरीके से लैंड की यहाँ पर हमें चांसेस देखने को मिलते हैं कहाँ पर सवेयर लैंड के लोकेशन हैं कहाँ पर कम हैं ज़्यादा हैं इसमें सबसे ऊपर आया है सोलवें रैंक पे मंडी तो वहाँ पर जो है हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि कैसा सा ये है तो ऐसा सा है तो पहला रीज़न क्या आ जाता है पहला रीज़न क्या है लैंडस्लाइड के पहला तो हमारा टोपोग्राफी आ जाता है कि एक हिमालयन स्टेट है तो हम लोग को पता है कि ऑलरेडी वहाँ पर जो है इंस्टेबिलिटी है प्लेट्स में और इस तरीके से हिमालया जो हैं वो अभी राइज कर रहे हैं या फिर टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज यहाँ पर ये हैं पहला रीज़न आ गया दूसरा आ, हम लोग देखते हैं ड्रेनेज है पांच प्रमुख नदियां जो है यहाँ से जा रही है फिर बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है तो वो भी पिघल रहे हैं सो uh, so, इस तरीके से हमें बहुत सारे रीजंस uh, देखने को मिलते हैं लैंडस्लाइड में मैनमेड भी आते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की जा रही है क्लस्टर्स uh, बने हुए हैं शिमला की बात करते हैं धर्मशाला की बात करते हैं या जोशी में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसको uh, मना कर दिया गया कि अभी नहीं रहना है बिकॉज ऑफ दी रिस्क इन्वॉल्व सेम कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल सकती हैं सो लैंड स्लाइड्स के बात अगर हम लोग करें तो हिमाचल इज वेरी हाई प्रोन टू दीज लैंड स्लाइड्स बहुत सारी स्टडीज आती रहती है इसको डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा जो है एड करते रहना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सोशल इम्पैक्ट सर्वे किया गया कि गग्गल एयरपोर्ट जो है अगर उसको एक्सपैंड करना हो तो क्या लोग जो है वो किस तरीके का उनका वहाँ uh, पर इश्यूज़ हैं या फिर क्या वो इससे खुश रहेंगे तो मना कर दी उन्होंने uh, थोड़ी लाइक दे विल नॉट बी वेरी हैप्पी क्योंकि लैंड एकजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है लोग जो है फिर अपोज़ करते हैं ऑब्वियसली है क्योंकि उनके लैंड्स जा रहे हैं तो उन्होंने स्टेट uh, के गवर्नमेंट ने एक एन को भेजा ये सोशल इम्पैक्ट सर्वे कंडक्ट करने के लिए तो पता चला कि लोग जो हैं इतने ज़्यादा खुश भी नहीं हैं और uh, वो सोच रहे हैं कि जैसे ही हम लोग देखेंगे इसका एक्सपेंशन तो लोगों को जो है इधर वाले लोगों को रीलोकेट यहाँ पर करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा 34 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स क्लियर इन हिमाचल प्रदेश तो न्यूज ये नहीं है न्यूज हम किस परस्पेक्टिव से पढ़नी है तो हिमाचल में क्या है हमारे पास है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इसका मतलब क्या है कि जितने भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना हिमाचल में किसी भी एंटरप्राइज में किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट में तो उनको किसी भी बैंक के वो नहीं बोलते सोलह नंबर लाइन में लगो आठ नंबर लाइन में लगो वो वाला उनको करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन्वेस्टर एक जगह बैठे जो है हर चीज़ की फैसिलिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट राइज करके अपना एंटरप्राइजेस यहाँ पे खोल सकता है सो so ये वही वाले कुछ जो uh, 34 फोर प्रोजेक्ट्स हैं इनको वाया सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम यहाँ पर अप्रूव किया गया ये हेल्प क्या करता है रेड टेपिज्म उसको ख़त्म कर देता है और जो लोग इन्वेस्टर्स को पहली झिझक हो जाती है न, वरना कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा लाइक बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है वो नहीं करना है सो इट इज़ बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बिजनेस करने के लिए ईज़ यहाँ पर प्रोवाइड करता है और आपके मेंस का भी पार्ट है सो so, कौन कौन सी इसमें आती है बहुत सारी हमें जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में देखने को मिलती हैं इस तरीके की जो भी आपकी फैसिलिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स की ठीक है जैसे रजिस्ट्रेशन से लेके कोई भी उनको अपने स्टेटस अपडेट चाहिए कुछ ट्रैक करना है अप्रूवल का स्टेटस देखना है वो सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पुलिस वाटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जो है यहां पर कंक्लूड किया गया ऊना में गोविंद सागर रेजर वॉयर में तो अगेन जो हिमाचल पुलिस है बहुत सारे स्टेट्स ने इसमें पार्ट लिया और कौन जीता कौन नहीं ये छोटी न्यूज है Uh, पर वो जो है हिमाचल पुलिस ने ये यह यहाँ पर इसको मैनेज किया होस्ट किया ये इम्पोर्टेंट रहता है जिसका नाम है ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप राइट यहाँ पर अब ये जो रेजरवॉयर है ये कौन सा है गोविंद सागर ये आपका दो स्टेट्स में आता है ऊना में और बिलासपुर में स्टार्टिंग में जब ये बना था ना तो यहाँ से आपकी जो ब्यास जा रही है ब्यास में से भी सतलुज में पानी लेना पड़ा था इसका पानी मैनेज यहाँ पर उसको बैलेंस करने के लिए और क्या है इसके ऊपर आपका डैम बना हुआ है और हम लोग जो है सतलुज का ये सबसे बड़ा डैम है इसको जवाहरलाल नेहरू ने द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया भी कहा था क्योंकि उन्होंने कहा था ये इतनी सारी यहाँ पर ऑपरचुनिटीज़ uh, प्रोवाइड करेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा कि ये पूजनीय होगा जैसे एक मंदिर होता है तो वो है बहुत सारी माइग्रेटरी स्पीशीज़ यहाँ पर आती हैं देन वी हैव यहाँ पर फिशरीज़ uh, काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉस्प्रेस देखने को मिलती हैं एज़ वेल एज़ टूरिज़म अभी जो है हम लोग यहाँ पर वाटर uh, स्पोर्ट्स आप देख सकते हो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं राइट सो नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि हिमाचल टू प्रोड्यूस बायो एनर्जी फ्रॉम पाइन नीडल्स एंड बैम्बूस अब हम लोग क्या जानते हैं अगर इस तरीके से आपका हिमाचल है तो हिमाचल को हम चार जोन में बांटते हैं ऐसे करके है ना तो हमें ये मेजर जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट हिमाचल में देखने को मिलते हैं रिपोर्ट पढ़नी है स्टेट स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है दो साल में एक बार 2021 की वो कहती है कि हिमाचल में जो टोटल एरिया है उसमें से 68% परसेंट फॉरेस्ट हैं तो ये 68% परसेंट फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं और बैम्बू प्रोडक्शन का भी हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है ठीक है तो इस तरीके से uh, ये जो पाइन है और बैम्बूज है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायो एनर्जी बनाने के लिए अब जो आसपास की कम्युनिटीज रह रही है ये उनको हेल्प करेगा और जो सेक्टर्स आपका थर्मल पावर प्लांट्स हैं या फिर आपके सीमेंट स्टील ये उनको हेल्प करेगा कार्बन एमिशन को कम करने में तो अभी करेगा जब इसकी पूरी जो भी इसका प्रोसीजर रहेगा जब वो बनेगा तो इसके बारे में और पढ़ेंगे मेंस में जो है इस एरिया से सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यहाँ पर हमें बायो एनर्जी का देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कांगड़ा में दो और पैराग्लाइडिंग साइट्स डेवलप करने की बात की जा रही है अभी तो हमें एक ही पता है बीर बिलिंग है नई राहें नई मंजिलें के अंतर्गत हम इसको यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं अभी ये दो तो भी याद रखनी है एक निर्वाणा और मजीन एरियाज ऑफ कांगड़ा तो सिर्फ ये एरिया का जो नाम है वो याद रखना है नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी टू एक्वायर थ्री ड्रोन्स फॉर यूज इन फार्मिंग तो न्यूज़ जो है वैसे वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि तीन आ, जो है हम लोगों ने ड्रोन्स लिए हैं इस तरीके से हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके पास भी ड्रोन्स आ रहे हैं द यूज ऑफ ड्रोन्स हिमाचल में ड्रोन स्कूल है हिमाचल की सबसे पहला स्टेट बना पूरे देश का जिसने ड्रोन पॉलिसी भी निकाली तो हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रोन के जो यूजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं सच एज इन अ स्टेट लाइक हिमाचल जो कि एक माउंटेनियस स्टेट है है ना सबसे पहला यूज़ क्या होगा सबसे बड़ा सेक्टर जो कि uh, इससे फ्लरिश करेगा दैट इज सिक्योरिटी हमारा जो डिफेंस है लाइक ओवरऑल इंडिया की भी मैं बात कर रही करी कि डिफेंस में सबसे ज़्यादा ड्रोन यूज़ होते हैं फिर दूसरा आता है हमारा एग्रीकल्चर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं सॉइल की uh, जो फर्टिलिटी है उसको चेक करने से लेके लैब टेस्टिंग से लेके लोगों तक अगर जो फर्टिलाइजर्स है वो पहुंचाने हैं देन हम लोग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए पोंग डैम में वहाँ पे लोगों की जो ज़मीनें हैं ना वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो करना अलाउड नहीं है तो लोग जो है रात को जाके वहाँ पे अपनी ज़मीनें जोत के आ जाते हैं तो उसको चेक करने के लिए ड्रोन यूज़ किए जाते हैं फिर हम लोग कहते हैं कि जो आपका कांगड़ा का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है तो यहाँ से चक्की रिवर ऐसे आती है ना और फिर ये आपकी ब्यास है तो इस ब्यास के रिवर बेड पर बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग होती है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा सकता है रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट तो है ही उसके अलावा अर्बन प्लानिंग हो गया हम लोग स्वामित्व स्कीम पढ़ते हैं कि कैसे हिमाचल की या पूरे देश के हम लोग डीमार्केशन सारी की सारी बाउंड्रीज़ जो है उनको विद द हेल्प ऑफ ड्रोन लेस मैन पावर लेस एफर्ट उसको हम लोग यहाँ पर जो है अच्छे से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सो so, इस तरीके से ड्रोन इंडस्ट्री जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाली है इसी के लिए हम लोग एज़ अ करिकुलम भी अभी इसको ऐड करेंगे आ, हमने अपनी पॉलिसी बनाई हुई है और ड्रोन स्कूल ताकि एक अच्छी मार्केट हिमाचल बन सके पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए और फिर इसको मैनेज करने के लिए जो सर्विसेज चाहिए उस एरिया में भी सो so, ये आपका जो है यहाँ पर कवर अप हो गया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग